आइए शुरू करते हैं। टॉपिक संख्या 12 है, टॉपिक है औपनिवेशिक शहर। औपनिवेशिक शहर नगरीकरण तथा नगर योजना एवं स्थापत्य। औपनिवेशिक शहर नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में होगा कि औपनिवेशिक शहर क्या है। औपनिवेशिक शहर क्या है या औपनिवेशिक शहर कहते किसे हैं? तो वह शहर जिसका विकास अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? वह शहर जिसका विकास अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ उस शहर को औपनिवेशिक शहर के नाम से गलत से जिस शहर का विकास किसके काल में हुआ? अंग्रेजों के शासनकाल में, उस शहर को औपनिवेशिक शहर कहते हैं। और औपनिवेशिक शहर के उदाहरण है कलकत्ता, मद्रास, बंबई और दिल्ली। सूरत पहले से था। इन चार बड़े शहरों का ज्यादा विस्तार हुआ तो अंग्रेजों के काल में हुआ है। और परीक्षा में इसी चार शहर से प्रश्न आते हैं क्योंकि औपनिवेशी काल के मेन यही शहर थे। तो वह शहर जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने किया औपनिवेशिक शहर कहलाता है। और औपनिवेशी काल के प्रमुख शहर कलकत्ता, मद्रास, बंबई और दिल्ली। मन में प्रश्न होगा तो शहर को नगर भी कहते हैं, तो शहर का डेफिनेशन क्या होगा? कहां रहते हैं? शहर में रहते हैं। 90% ये नहीं जानते हैं कि शहर कहते किसे हैं, शहर का डेफिनेशन क्या होता है। नहीं जानना चाहिए। शहर का परिभाषा है कि शहर उस बस्ती को कहते हैं जहां के 75% से ज्यादा लोग गैर कृषक हो। गलत सही? शहर का मान्यता मिलने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है कि 75% से ज्यादा लोग गैर कृषक। गैर कृषक का मतलब क्या होता है? जो खेतीबाड़ी ना करता हो। तो खेतीबाड़ी नहीं करेगा तो क्या करेगा? नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा। दूसरा, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहता है? 400 व्यक्ति कम से कम, अधिक ज्यादा हो सकता है। जैसे भारत का भी जनसंख्या घनत्व 382 है। भारत का करंट डाटा मैं बता रहा हूं, औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। कौन है? बिहार। और बिहार में एक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है जहां एक वर्ग किलोमीटर में पहले 1317 लोग रहता है। क्षेत्रफल ज्यादा है, लोग कम है, पहाड़ी इलाका है। अब कहो कि एक वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता था? 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो भूभाग होता है उसको हम प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर प्रति मान 1 होता है। तो शहर का डेफिनेशन है कि जहां के 75% से ज्यादा लोग गैर कृषक हो और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो उसे क्या कहते हैं? तो फिर मन में एक प्रश्न होगा, गांव में रहते हैं, गांव का परिभाषा नहीं जानते, गांव किसे कहते हैं? तो गांव गांव को कहते हैं, नहीं जानेंगे नहीं कहेंगे। गांव का डेफिनेशन जस्ट इसके उल्टा ले लीजिए ना आप,
कि जहां के 75% से ज्यादा लोग क्या हो, कृषक हो। 75% से ज्यादा लोग क्या हो, कृषक। कृषक माने खेती बाड़ी करने वाले। खेती बाड़ी करेंगे तो पशु पालेगा ना। आज जनसंख्या घनत्व 400 से, जनसंख्या घनत्व 400 से क्या हो, कम हो, उसे क्या कहेंगे, गांव कहेंगे। एक बात आप जानते हैं कि मैं 2021 का आंकड़ा बता रहा हूं, भारत के 31.2% लोग शहर में रहते हैं। भारत के 31.2% लोग शहर में रहते हैं और 69.8% लोग, इसलिए भारत को गांव का देश कहा गया है, क्योंकि आज भी 2/3 से ज्यादा लोग कहां रह रहे हैं। बिहार में तो और हद है, 11% लोग बिहार में शहर में और 89% लोग गांव में। लेकिन एक बात याद रखें, हमारे माननीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था और भी महापुरुषों ने कहा था कि गांव का विकास करो तब जाके शहर का विकास होगा, क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था जब झुरझुरा जाएगी तो शहर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि शहर हर जरूरत के लिए गांव पर निर्भर है। गलत सही? और हमारे बिहार की क्या खासियत है, क्या विशेषता, इस पर हमारे APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि भारत का विकास करना है तो पहले बिहार का विकास करो, क्योंकि बिहार के लोगों में जुनून भी है और खून भी है, जो ठान लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बुराई है कि वो ठानते ही नहीं, प्रतिज्ञा करते हैं नहीं, प्रतिज्ञा करते हैं 1 घंटा 1 मिनट के बाद प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। तो हमको लगता है कि शहर किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं, बात को जान गए। अब एक बात मन में होगा कि सर भारत में शहरीकरण की प्रारंभ कब से मानी जाती है, होगा ना कि पहले तो लोग गांव में रहा होगा, सबसे पहले शहर टाउन कहां शुरू हुआ। तो उम्मीद है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में शहरीकरण की शुरुआत आज से लगभग 4,500 साल पहले समझ में आ गया होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत में शहरीकरण की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नाम अन्य नाम हड़प्पा की सभ्यता भी, सिंधु घाटी सभ्यता से भारत में शहरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत में प्रथम नगरीकरण कहां हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या था, तो आपको पता है 2500 BC to 1700 ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से लेकर 1750 साल पहले के बीच में इंडिया में शहरीकरण की शुरुआत हुई, और शहरीकरण की शुरुआत जिस इलाके में हुआ, जिस क्षेत्र में हुआ, उसका नाम था सिंधु घाटी। शायद आपको मैं पढ़ाया हूं, कुछ नए बच्चे जो नहीं पढ़ पाए इतिहास का 2 पाठ बाकी है, मेरे ऊपर उधार है, आप लोगों का पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम के कारण भगोरा जीवन जिए हैं, मैं भी पीट किया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता आई थी, नाम था वैदिक सभ्यता। क्या नाम था? और वैदिक सभ्यता 1500 से 600 BC था, लेकिन वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इंडियन पर शहरीकरण सभ्यता, शहर के बाद क्या हो गया, गांव आ गया, ग्रामीण सभ्यता आ गई, मतलब वैदिक सभ्यता क्या थी। और वैदिक सभ्यता के बाद आ गया महाजनपद काल आता है, कौन काल आता है, महाजनपद काल आता है, और महाजनपद काल के बाद बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना शुरू होती है। गलत कि सही? महाजनपद काल आज से मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और महाजनपदों की संख्या कितनी थी, कितनी थी, 16। और 16 महाजनपद के नामों का उल्लेख है बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के पुस्तक भागवती सूत्र में मिलती है। गलती कि सही? इन 16 महाजनपद में 3 ऐसा महाजनपद जो अपने बिहार में है ना जी।
सुलभो महाजनपद में, कितने महाजनपद बिहार में, अंग बज्जी मगध, गलत से। और सुलभों में सबसे ताकतवर, और हम लोग बज्जी महाज, शिवहर जिला, सीतामढ़ी जिला, मुजफ्फरपुर जिला, वैशाली जिला, ये सब पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब बज्जी महाजनपद में आते थे। बज्जी भाषा भी तो बज्जी का है, राजधानी वैशाली जो विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र। तो प्रश्न है कि महाजनपद काल आया, और महाजनपद के बाद आया साम्राज्य काल। कौन काल? साम्राज्य का बहुत बड़े राज्य को साम्राज्य कहते हैं, और भारत का सबसे प्राचीन साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य। कौन था? मौर्य साम्राज्य। और आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने किया था, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या करके 323 ईसा पूर्व में, 323 या 322 ईसा पूर्व में स्थापना किया था इसने। 26 में तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने से पहले ही विश्व विजेता सिकंदर का इंडिया पर आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने से पहले ही विश्व विजेता सिकंदर का इंडिया पर क्या होता है? अलग बात है कि सिकंदर भारत को जीतने में सफलता प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सिकंदर के सेना के मन में डर पैदा हो गया पोरस के वीरता को देखकर। विश्व के किसी राजा ने सिकंदर के सामने हथियार नहीं उठाया। इंडिया के छोटा सा राजा, नाम था पोरस, नहीं सीधा इंडिया, हम लोग का तो टारगेट है तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छे कंपटीटर का ही लक्षण है। और आप लोग तब तक पढ़ते जब तक नींद ना आ जाए, और नींद किताब उठ आ ही जाता है, छूते माता नींद आ जाता है। ईमानदारी से बोली, अभी भी अच्छे लोग हैं, अभी भी धरती पर अच्छे लोग हैं। चलो देवबंदी ना हो गई। हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य की आक्रमण, राजा बनने से पहले ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और सिकंदर इंडिया का जिन भूभाग को जीत लिया था, उन जीते गए भूभाग का स्वामी रक्षक अपने सेनापति को बना दिया था, और सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर तो मर जाता है 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर के मरने के बाद सेल्यूकस निकेटर जब राजा बनता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी में लड़ाई होता है। उस लड़ाई का नाम है सिंध का युद्ध। क्या नाम है? इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है? हरा देता है। हराने के बाद एक संधि होता है, और संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर अपना चार गो राज, काबुल, कंधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। अपनी बेटी कर्नेलिया का विवाह, और अपने यूनान का सबसे बड़ा विद्वान, नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? जिन्होंने इंडिका नामक किताब लिखा था। इंडिका के लेखक कौन है? इन मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर कहां भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्या मैं यहां इसलिए इनका नाम लाया हूं घुमा के, क्योंकि चंद्रगुप्त मेगास्थनीज पहला व्यक्ति था जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद नगर प्रशासन के बारे में चर्चा किया, कि मौर्य साम्राज्य में नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी, तो मौर्य काल में जो नगर था, नगर की शासन व्यवस्था कैसी थी, नगर के शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला विद्वान था। तो और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक किसमें? इंडिका में नगर के शासन के बारे में चर्चा किया, और कहा कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के, या मौर्य काल का सबसे बड़ा संसार कौन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। कहां थी? पाटलिपुत्र। और इन्होंने लिखा है
कि मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र नगर के शासन व्यवस्था की देख रेख करने के लिए कितने सदस्यों का परिषद थी? 30 सदस्यों की क्या थी? एक और ये कितने भाग में बटे थे? 6 भाग में बटे थे। और सभी में कितने मेंबर थे? हाँ, क्योंकि 6×5 बराबर 6 समिति। किसी का काम था जनगणना करना, किसी का काम था विदेशियों का स्वागत करना, किसी का काम था वस्तु का निरीक्षण करना, क्या जी, किसी का काम था टैक्स वसूलना। अलग अलग समिति का क्या काम दिया गया था? अलग अलग काम सौंपा गया था। तो मौर्य काल में नगर के शासन व्यवस्था की देखरेख करने के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनी थी? तो 30 सदस्यों की एक परिषद बनी थी। और 30 सदस्यों वाली परिषद कितने भाग में बटी थी? 6 भाग में बटी थी। और प्रत्येक में कितने मेंबर थे? 5। और मौर्य काल में नगर के शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाला जो कर्मचारी था उन्हें नागरक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लेकिन गुप्त काल में नगर के शासन व्यवस्था का देखरेख करने वाला जो पदाधिकारी था ना, नाम बदल गया, उसका नाम पड़ गया पूर मुख्य या पूर पाल। पूर मुख्य या पूर पाल गुप्त काल में नाम पड़ गया। तो मैंने कहा औपनिवेशिक शहर के बारे में जानना है तो औपनिवेशिक के 4 प्रमुख शहर है, लेकिन हमने ये थोड़ा आपको डाउन होकर बताया कि भारत में आखिर नगरीकरण शुरू कब हुआ। तो भारत में नगरीकरण की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता में आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता ग्रामीण हो गई, पुनः जब महाजनपद काल और साम्राज्य काल आया तो मौर्य साम्राज्य में नगरीकरण की झलक मिलती है और गुप्त काल में दूसरी नगरीकरण की मानी जाती है। अब प्रश्न है कि नगरों के विकास कैसे कैसे हुआ, इस बात पर हम लोग विस्तार से अब चर्चा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण यह जाते हैं कि औपनिवेशी काल में नगरों के विकास के बारे में चर्चा करता है। किसके बारे में? औपनिवेशी काल में। तो औपनिवेशी काल में नगर के विकास को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि भारत को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों। एक है उत्तर भारत, कौन है? उत्तर भारत। और दूसरा कौन है? दक्षिण भारत। अब कहेंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बंटवारा कैसे किया है आपने? तो जो सक्रिय नागरिक है उनको पता है कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरी है, कर्क रेखा। कौन रेखा? और कर्क रेखा भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है? कितने राज्य को? 8 राज्य को स्पर्श करती है। नहीं, मित्र पर गमछा झार। बहुत बार फेल इसलिए होता है क्योंकि आपको लाइनिंग से नहीं है, मैं बता रहा हूं ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार। हाँ, गमछा लेके जाना, झार देना, यही तो है। इसे नहीं कहला। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। देखिए, कोई बात जानने के लिए शॉर्टकट उसके लिए बना है, मेरे लिए शॉर्टकट है, आप लोगों के लिए नहीं है। गलत से भाई, तो जल्दी वही ना करेगा जिसको पूरा आता हो, जिसको आता ही नहीं है वो तो मौसम से मिजोरम भी है, मौसम से मणिपुर है तो मणिपुर मान देगा, मेघालय भी मौसम से नहीं। आपको दिमाग में होना चाहिए कहां कहां से रखा हुआ है। तो कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा से ऊपर वाला हिस्सा को उत्तर भारत। नीचे वाले भारत को एक और पर्वतमाला है भारत के बीचों बीच, विंध्य पर्वतमाला। कौन है? विंध्य पर्वत। पूछा भी जाता है कभी कभी कि विंध्य पर्वत से भारत के बीचों बीच जो एक और पर्वतमाला है जिसके ऊपर को उत्तर भारत, नीचे को। तो विंध्य पर्वतमाला के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको उत्तर भारत, नीचे वाले को। तो उत्तर भारत के नगर कौन है? बहुत नगर है,
उत्तर भारत नंबर वन में दिल्ही आ जाएगा। उत्तर भारत में सबसे पहले कौन आएगा? दिल्ली नंबर वन, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, जबलपुर, नहीं जबलपुर नहीं चलेगा, जबलपुर मध्य प्रदेश कर्क रेखा से नीचे आ जा सकता है। राजस्थान का किसी राज्य शहर का नाम लीजिए ना, जयपुर, जयपुर चलेगा, राजस्थान तो पूरा राज्य हो गया, उदयपुर। हाँ मेरा कहना है, समझ गए इसका मतलब आप लोग, नीचे आओ ना तो मद्रास, मुंबई, बेंगलोर, पंजी, भारत के सभी राज्य की राजधानी याद कर लीजिए केवल आप, क्योंकि राजधानी ही शहर होता है जी। तो उत्तर भारत के नगरों को दो भागों में बांटा गया, उत्तर भारत के नगर और दक्षिण भारत के नगर। लेकिन याद रखेंगे नगरों के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसको पल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्ली। करोड़वा सके ना प्रमुख तान के रहता है, इना तान दिया, इना तान दिया, कोटा समान के वह घर बना के रह लेता है, कबीला ही खाना बदोस। लेकिन वही खाना बदोस पल्ली डालते डालते भर भर घर बना लेता है, किला कब्जा कर लेता है, तो पल्ली कहते। लेकिन अगर अच्छे तो रक्षण समय कहा जाए कि नगरों के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होता है उसको सेकेंड में कस्बा कहते हैं। कहोगे कस्बा किसे कहते हैं? तो गांव और शहर के मिला जुला रूप, न पूरा पूरा गांव है न पूरा पूरा शहर है, हाँ बस्ती का थोड़ा विकसित रूप। दो चार को पानी के दुकान होगा, नाश्ता के दुकान होगा, साइकिल पंचर बनाने का दुकान होगा, एक आध को दवाई वाई के दुकान होगा, अन्य बाजार माने बढ़िया सा चौराहा, बढ़िया सा चौराहा, छोटा मोटा तो 6 बजे बंद हो जाता है लेकिन वहां 9 बजे तक खुले रहने की संभावना है। लगभग जरूरत की मूलभूत जरूरत की हवाई जहाज खोजेगा थोड़ी ना मिलेगा, जो जरूरत है वो सामान मिल जाता है, तो क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। अगर मुगल की बात करें, मैं पढ़ा दिया हूं, लोग तो बहुत भागे, मुगल तो बहुत बताया, मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने किया। और मुगल वंश के जो अंतिम राजा थे बहादुर शाह सेकंड, क्या जी? लेकिन आप जानते हैं मुगल वंश में पहला महान बाबर और अंतिम महान औरंगजेब, आलमगीर भी कहते हैं। लेकिन औरंगजेब के बाद जो भी राजा बना वो किसी काम के लायक नहीं, किसी को घृणित कायर, तो किसी को साहेब खबर, तो किसी को रंगीला, तो किसी को घृणित कायर, तो है उपाधि सबका नाम मिला हुआ है। कोई अपने दरबारी के गुलाम बन के रहा, तो कोई वैश्या के नियंत्रण में रह गया, किसी पर राजा पर ही वैश्या का दबदबा चलता था। जैसे जहादार शाह के शासनकाल में है ना, एक लाल कुमारी बेगम जो वैश्या थी उसका दबदबा चलता था। आ कुछ 3 गो राजा तक तो कौन, अली बंधु नहीं, नृप निर्माता के रूप में जो फेमस है 2 गो भाई सैयद बंधु, वो दबदबा जमा कर रहे थे। तो छोटे मुगल के औरंगजेब के मर जाने के बाद मुगलों की स्थिति गड़बड़ा गई, सभी जो सामंत थे अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में क्या कर लिए, घोषित कर लिए। और मुगल काल में सरकारी भूमि को कहा जाता था खालसा, क्या कहा जाता था? औरंगजेब जब तक जिंदा रहे 1707 तक इनके पास खालसा भूमि ज्यादा थी, औरंगजेब के मरने के बाद इनका चारों बेटा आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगा, जितने भी जमींदार थे सब जमीन को क्या कर लिया, हड़प लिया, मतलब खालसा भूमि क्या हो गया, घट गया, घट गया। अब जब खालसा भूमि घटेगा तो राजा के पास कुछ है तो राजा के डर कौन मानेगा, क्योंकि अपने प्रभाव का धनमेव बलम लोके, धनमेव बलम लोके, इस संसार में संस्कृति से बड़े होंगे, लोक माने संसार होता, सबसे बड़ा बल क्या है? धन है, धन है तभी बलवान है, धन नहीं है तो कोई ताकत नहीं। बुद्धि तो सबके पास है लेकिन अर्थ के अभाव में बुद्धि नहीं खुलता है, पैसा तो 13 को बुद्धि खुलता है,
स्पीड में चलता है, 5 नहीं 8 जी चलेगा इंडिया में भी, लेकिन पैसा नहीं तो 5 जी पर खींच रहे कि नहीं। तो अब सवाल है, भारत में नगरीकरण की शुरुआत के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? अब ये सिस्टमैटिक रूप से हम लोग जाने, नगरों के विकास की औपनिवेशिक काल में नगरों के विकास के रणनीति, अंग्रेजों ने नगर के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए कौन सा रणनीति अपनाया? तो सबसे पहले रणनीति में आएगा मानचित्र का निर्माण। जैसे आप में से किसी के पापा जी अगर शहर में जमीन जैसा खरीदने का प्रयास करते होंगे, तो ब्रोकर किसी जमींदार से जमीन खरीद लेता है, और जमीन खरीद तो प्लॉटिंग करता है कि रास्ता कैसे निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे तो इसमें कितना फ्लैट जमीन का टुकड़ा बचेगा, रेट क्या होगा, या बड़ा कॉलोनी बसाता है कि हम बिल्डिंग बना के ही बेचेंगे, बिल्डर लोग तय कर लेते हैं कि फ्लैट कहाँ बनेगा, मॉल कहाँ बनेगा, सिनेमा हॉल कहाँ बनेगा, विवाह भवन कहाँ बनेगा, अस्पताल का जगह कहाँ होगा। तो शहर को बसाने के लिए सरकार को रणनीति बनाना पड़ता है। सीतामढ़ी में थोड़ा बरसात में जल जमाव क्यों हो जाता है? क्योंकि बिना किसी रणनीति के शहर जेना तेना बस गया। कई ऐसे भी घर होंगे इस सीतामढ़ी टाउन में जहां जाने के लिए सड़क नहीं होगा, नहीं जा सकता। शहर में बीच में मेन टाउन में एक बार हम जा रहे थे, देखे सरिया रहा गाड़ी पटक दिए, गरियरों के ना पूछेगा, हम मेयरों साहब के गांव से नहीं सी कहानी। एक आदमी मुश्किल से आता है, कोई कोई गली ऐसा है। हमें फतेहपुर की कहानी बोला हूँ, अजमल तो कदे मेयर साहब के साहिबा के हिसाब थोड़ी ना, मेयर साहिबा के मोहल्ला में भी ऐसे ही कहानी है। मतलब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है कि गरीबी है ज्यादा, दलाल क्या क्या ब्रोकर जैसे तैसे जमीन को क्या कर लिया, बेच लिया। लोग देखा ये रास्ता जितना चौड़ाई काटेगा जमीन महंगा करेगा, गलत सही। लोग देखा कि चल जमीन पैदल जाके कहीं, गरीब आदमी को नहीं तो छप्पर बना के रहना है, उसको क्या पता कि बाद में हमरो चाचा का हो सकले नहीं। प्रारंभ में तो जैसे तैसे सोच के रह लेता है लोग, तो पहले क्या बनता है, मानचित्र बनता है। और भारत में मानचित्र बनाने के लिए एक संस्था खुला, नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। और मानचित्र बनाने वाली संस्था सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, 1800। भारत में नक्शा जो बनता है, नक्शा मानचित्र, मानचित्र बनाने वाली संस्था का नाम क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया। मानचित्र बन गया तो दूसरा काम किया गया क्या, जनगणना, जनगणना। अब कहेंगे जनगणना का मतलब क्या होता है, तो जनगणना का मतलब होता है लोगों की गणना करना, गिनती करना। जन माने आदमी, गणना माने गिनती करना। जनगणना का मतलब क्या होता है, लोगों की गणना करना, लोगों की गिनती करना। और आपको पता होगा कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन याद रखेंगे अपूर्ण थी। अब भारत में पहली बार जनगणना 1800, इस समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, लेकिन याद रखें अपूर्ण थी, सफल नहीं हो सका। भारत में नियमित जनगणना 1881 में, हम कह सकते हैं नियमित, वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, गलत किसे, भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुआ, वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कब शुरू हुआ, 81 में। और इस समय अंग्रेजों का गवर्नर था लॉर्ड रिपन, क्या नाम था, लॉर्ड रिपन के काल से। अब सवाल है तो जनगणना कौन कराती है, तो याद रखेंगे भारत सरकार, भारत मतलब जनगणना किस सूची में है, संघ सूची या केंद्र सूची का विषय है। और जनगणना कितने वर्ष पर होता है,
10 वर्ष पर होता है, मंत्रालय के अधीन हो, मंत्रालय के अधीन जनगणना कितने वर्षों पर होता है? 10 वर्षों पर होता है। तो यहां अगर आप देख लेते हैं, जनगणना 1881 में हुआ, नियमित की मैं बात करता हूं, पहली बार पूछेगा तो 72, लेकिन नियमित जनगणना 1881, 1891, 1901, 1911, 1941, 1951, 1971, 2000, 2011, 2000। कहने के पीछे रीजन है कि पूरा बताने के बाद भी आप जो चार कदम आगे जाते हैं, तीन कदम पीछे, शैतान की तरफ जहां के तह में रह जाते हैं। इतना लिखने के बाद भी मैं कहूंगा तो नहीं कोई बता पाएगा। मतलब भारत में जनगणना कितने, तो नियमित जनगणना की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 2021 की जनगणना, जनगणना के इतिहास की कमी है, 15वीं जनगणना है। कमी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। अब यहां पर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, और इस प्रश्न को मैं पीछे वाला से पूछूंगा, खड़ा हूं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? सिटम। दूसरा प्रश्न, हाथ खाना है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत सबसे हाथ खाना है केवल, भारत स्वतंत्र कब हुआ, आजाद कब हुआ? क्योंकि सबके उत्तर गलती आ रहा है, इसका मतलब स्वतंत्रता दिवस किसी को पता नहीं है। जाइए धरती के वो सब लोग हैं, स्वतंत्रता का वर्ष पता नहीं है। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में 15 अगस्त को। नहीं, क्या कहा जाए आपको। इसलिए मेरे यहाँ जब बच्चे आते हैं, सर डेमो न दीजिएगा, डेमो तुम्हारे पप्पा जी लेंगे, हम तुमको क्या करेंगे। मैं बोलता हूँ, तुम्हारा 16 साल का उम्र में 45 साल का आदमी, तुमको मैं डेमो दूंगा, तुम्हारी स्थिति हमारे ब्रेन पकड़ने का, टीचर का डिस्प्ले गलाई का, वही टीचर देगा तुमको, कुछ नहीं आता है, 10 दिन पढ़ के देखो। तो बात हो, होटल में खा के देखे बढ़िया लगेगा तो पैसा देंगे, ना लगेगा तो ना देंगे। हाँ, तो टीचर की कमी है, जिसे कुछ नहीं आता है, अपने आप पर शक है, तब टेस्ट करवाता, मैं टेस्ट नहीं करवाता हूँ। ऐसे ही दो दिन लगे सर जी, नहीं है तो अलग बात है, कोई डेमो तो सैकड़ों को भगा देता हूँ। देखो, आजादी दिवस कई लोग हाथ नहीं उठाए थे। मैंने कहा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, अगर स्वतंत्रता दिवस याद रहता, 15 अगस्त 1947 को हुआ था, आंख बंद करके कहा था 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, क्या कहा जाए आप लोगों को। और अंग्रेजों के शासनकाल में अंतिम जनगणना 1941। ऐसे ही ना प्रश्न घुमाता है, कहता आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस आपसे थोड़ी नहीं कुछ हो, आउट ऑफ माइंड है तुम्हारे। तब तो उठा छाप हम पर राज करता है, औटा साहब को राज करने के पीछे रीजन ये है, औटा साहब मन नेता साहब। तो यहां प्रश्न आ गया कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1900, तो आजादी से पहले भारत में कितनी बार जनगणना हुई? और होगा 7 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। आजादी के पहले, आजादी के बाद, क्या जी? आजादी के बाद अभी तक जनगणना कई बार हुआ? आजादी के पहले, अगर 1972 के जनगणना को जोड़ लिया जाए, हाला नहीं करेंगे, थोड़ा सा जिनसे पूछूंगा सब चीज बता दिया, अब गड़बड़ी होगा तो आपके ब्रेन पर शक है। यदि 1972 के जनगणना को जोड़ लिया जाए, गलत कि सही? तू खराब हुआ है। 1972 के जनगणना को जोड़ लिया जाए तो अभी तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? नहीं, लड़का से मौका दीजिए तो खराब। 1972 के जनगणना को जोड़ लिया जाए तो पूरी
जनगणना के इतिहास में कई बार जनगणना हुआ। आदित्य हरहर आ रहा है, अरे मुखिया जी खड़ा हो, कई बार उजी आ गया, पीठों को आ देता हूँ, बैठ जाओ। 16 बार हुआ, ठीक बोला, हमने पहले लिख दिया 15 बार हो गया, लेकिन बोला हूँ 72 को छोड़ के। क्या नाम हंसाने पर रखे हूँ, अब मैंने कहा कि जनगणना हुई, दूसरा काम क्या हुआ, जनगणना हुआ, कोई दिक्कत। अब शहर के निर्माण जनगणना काहे करे भाई, सरकार को इससे क्या मतलब, तो इस सब तर्क है करा पीछे रीजन जनगणना करने का, कि जानेंगे शहर में लोग रहते कितने हैं तब ना समान का उत्पादन होगा। जनगणना कराने का भी एक तर्क होता है कि लोगों की उपभोक्ता हमारे पास कितने हैं और किस वर्ग के उपभोक्ता है, किस उम्र वर्ग के, किस आय वर्ग के, क्योंकि तो उसी के अनुसार उपलब्ध करेगा। और कौन टैक्स देने के लायक है, कौन टैक्स के परिधि से क्या है, तो ये सब तर्क होता है सरकार का, ये सब सोचकर जनगणना कराई जाती है। अब है तो जनगणना कराने का उद्देश्य क्या था, तो हमने पहले ही कह दिया कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को जमा करना। अगर एक लाइन में कहा जाए कि जनगणना कराने का उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, तो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करना, अनेक प्रकार के आंकड़ा, अनेक प्रकार में कि बच्चा कितना है आता है, पूछने के होगा जनगणना हुआ तो आप लोग थे कभी, क्या पूछा कितने लोग हैं, मोटरसाइकिल कै गो है, रूम कै गो है, एसी है कि ना, फ्रिज है कि ना, कौन कितना पढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा है कि नहीं, हाँ गलत जाति मन जो भी हो, लेकिन पूछा ना आपसे बहुत प्रश्न, कोई तो आंकड़ों को विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को ताकि विभिन्न प्रकार के आंकड़ा को जमा करके सरकार पूरा अपना ये कैलकुलेट कर लेगी किसका क्या पोजीशन है और हमें क्या करना है, किस तरीके से चलना है। हाँ पशु भी सब होता है, हाँ बहुत पहले। अब है चार पैर वाला सब होता है, दो पैर तो पशु होता है, पक्षी होता है आदमी की बात कर रहे हैं, नहीं तो आदमी अभी दो पैर है क्लास में उदाहरण देखने की, हाँ क्लास में तो हम तो इसके लिए एक श्लोक देता हूँ, हाँ ईशान विद्या न तपो न दानम, संस्कृत में एक श्लोक हमने पढ़ा था, अधिकांश बच्चों पर चरितार्थ होता है पूरा पूरा, क्लास 19 में हमने याद है, ईशान न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलन न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगा चरते, इस मनुष्य में कोई गुण न हो, तप दान धर्म गुण पढ़ाई लिखाई कुछ गुण न हो, इस धरती का नाम है मृत्यु लोक, क्योंकि जन्म लिया वो मरवे करेगा, इस मृत्यु लोक में वो मनुष्य के रूप में नहीं हिरण के रूप में पशु के समान है, वो हिरण जैसा पशु के समान अच्छा विचरण करता है धरती पर मेरे की तरह, क्योंकि हिरण की एक बुराई जान लो, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत माए, परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, हमारे हृदय में है, हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में बजाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, अपने मन को शांत रखने की, पवित्र रखने की, उसी प्रकार जैसे हिरण के ढोड़ी में कस्तूरी होता है, फटता है तो खूब गमकता है, हिरण बगवाता किने गम कही थे लटकी है ओकरा अंदर, तो ईश्वर तुम्हारे अंदर है, हम बगवाते हो मंदिर में मस्जिद में दरवा के पकड़े जय भगवान ये नहीं कुछ होने वाला है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसके बाद शहर में आवागमन के लिए क्या बनेगा भाई, रेलवे बनेगा, क्या बनेगा, रेल बनेगा। और आपको पता है ना कि भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में किसके शासनकाल में, हाँ डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, भारत में रेलवे 16 अप्रैल 1853 में चली थी, उस समय गवर्नर कौन था, डलहौजी, और भारत की पहली रेल कहां से कहां चली, हाँ बंबई से
थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर। और जो पहला रेल का इंजन था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। एक इंजन, तीन डब्बा, 400 सवारी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था इसका। लेकिन संसार में सबसे पहले रेल इंग्लैंड में चला था। कहां चला था? 1825 में। लेकिन यह सवारी गाड़ी था। और 1828 में जो चला था, सॉरी ये मालगाड़ी 1825, 28 में सवारी गाड़ी था। किंदो स्टेशन क्वीन स्टॉकटन, स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। इंग्लैंड की पहली रेल 1825 में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन के बीच चली थी। और विश्व का जो पहला रेल इंजन था उसका नाम था रॉकेट। क्या नाम था? और भारत में चलने वाली, इंग्लैंड के बाद इंडिया में रेल चला, जान लीजिएगा कहां रेल चली थी। इंडिया में कब चली? 1853 में। रेल इंजन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। भाप इंजन था ये, स्टीम इंजन था, वही भाप इंजन, हम हिंदी बोल दिए। अच्छा, उसके बाद 1925 में इंडिया में पहली बार बिजली से इंजन चली थी। और बिजली से तो मैक्सिमम बिजलीकरण होते जा रहा है, सीतामढ़ी जो हो गया तो उनके बाद छोड़ दिया जाए। बिजली से चलने वाली जो पहला रेल का इंजन था उसका नाम था दक्कन क्वीन, दक्कन और दक्षिण की रानी। दक्कन क्वीन का मतलब क्या होता है? दक्षिण की रानी। बड़े शहरों के बीच, शहर के अंदर चलने वाली जो रेल होती है उसको मेट्रो ट्रेन कहते हैं ना, मेट्रो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में शहर के अंदर ही तो चलते, उसको मेट्रो ट्रेन कहते हैं। या भूमि के नीचे भी हो सकता है, भूमि के ऊपर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि भूमि के नीचे, उसको मेट्रो कहेंगे। क्या जी? और भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में चला था 1984 में, कलकत्ता में 1984 में। उसके बाद दिल्ली में चला 2002 में, शाहदरा और फिसहाजारी के बीच नहीं। उसके बाद मुंबई में चला, लेकिन मुंबई को मेट्रो ना नहीं, मोनो ट्रेन है मुंबई का जो है, क्योंकि मुंबई में समुद्र के अंदर रेल बनाना संभव नहीं कि मुंबई ऑल इंडिया अरब सागर में, चर्चा होगी आगे। तो रेलवे का निर्माण किया गया, क्यों किया गया? ये ना कि भारत के लोग चढ़ेगा यहां से मटरगस्ती करेगा, इसलिए नहीं किया गया। वो अपना लाभ के लिए किया कि जिस एरिया में जाएगा वहां का सारा कच्चा माल लाद के बंदरगाह तक पहुंचा देंगे, और बंदरगाह से कहां अपना देश में लेके चल जाएंगे। तो पहला रेल चली थी 53 को बंबई और थाने के बीच। और आपको बता दें 1854 में दूसरा रेल हावड़ा और हुगली के बीच चली थी, हावड़ा और हुगली के बीच चली थी, गलती की सही। और 1867 की बात है तो कलकत्ता दिल्ली और पुनः कलकत्ता बंबई, कलकत्ता से दिल्ली और कलकत्ता से भी बंबई को रेल से कब जोड़ दिया गया? 1867 में जोड़ दिया गया। क्योंकि हम लोग बिहार के हैं तो बिहार वाला भी जान लेना जरूरी है। बिहार में पहली रेल, अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार में पहली बार रेल 1860 में चली थी, नहीं 60, परफेक्ट सही आंकड़ा है कि बिहार में रेलवे 1860 में चली थी। नहीं, थोड़ा सा भी, एक शहर का नाम ही से है, लेकिन 1860 में बिहार में चली थी। तो नहीं, सीतामढ़ी कह सकते, पटना के अगल बगल में शहर। तो शहर के विकास के लिए कौन कौन सी रणनीति बनाई गई थी, हम लोगों ने क्या कर लिया, एक टॉपिक और जानेंगे कि नवीन विकसित नगरों की विशेषता, एक प्रश्न आएगा, दूसरा टॉपिक नवीन विकसित नगरों की विशेषता, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में जो नया नया शहर बसा उसकी खासियत क्या थी, विशेषता क्या थी।
तो नगर की पहली विशेषता आप लोग जानबे करते हैं कि व्यापार का केंद्र होता है। गलत कि सही? नगर किसका केंद्र था? व्यापार। बड़े बड़े बाजार के रूप में अंग्रेजों ने बसा दिया, और अंग्रेजों के शासनकाल में बंबई अफीम के लिए फेमस था। जैसे आज हीरा कटाई का दुनिया का सबसे बड़ा मंडी अपना मुंबई है, जानते हैं ना आप लोग। और सूरत में होता है, लेकिन बंबई सबसे नंबर वन में बोला। और अंग्रेजों के काल में जो पटना था ना, ये सोरा के लिए फेमस था। सोरा शराब में मिला के पीने वाला कोई तरल पदार्थ, सोडा। अभी खाने वाला पढ़ लिया। दूसरा, हाँ, किलेबंद बस्ती। कौन बस्ती? अंग्रेजों ने जो बस्ती बसाया वो किलेबंद था। और ऐसे अंग्रेजों ने तो इंडिया में बहुत किला बसाया, लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता में किला बसाया था, और एक मद्रास में किला बसाया था, झांसी में भी एक किला बसाया था। तो कलकत्ता वाला का नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? मद्रास वाला का सेंट जॉर्ज, और झांसी वाला का स्टार किला। कौन किला? तो अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो किला बंद शहर बसाया था उसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम क्या है? तो किला है, बहुत बड़ा बाउंड्री है, दरभंगा महाराज के बिल्डिंग की तरह बाउंड्री। सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? कौन बसाया था? अपनी सुरक्षा के लिए समझाता था, क्योंकि लूटोगे तो तुम पर भी तो कोई वार करेगा ना कभी ना कभी। और अंत में झांसी में भी इन्होंने किला बनाया था, नाम क्या था? स्टार किला। अंग्रेजों की नवीन नगर की अगली विशेषता थी ब्लैक एंड और व्हाइट टाउन। अंग्रेजों ने मद्रास में कहा, मद्रास जिसका नाम वर्तमान नाम चेन्नई, मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। और चेन्नई आप ही बता दीजिए किस राज्य की राजधानी? वेरी गुड, तमिलनाडु की। तमिलनाडु भूमध्य रेखा के काफी करीब है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, वहां ठंडी कभी पड़ता उड़ता जनवरी फरवरी में वहां लोग फैन चला के एसी चला के सोते हैं। क्या सुबह में एक चादर का ठंडा हुआ लगता है, इसे अधिक नहीं लगता है। सूर्य के काफी नजदीक है, इसलिए वहां के मैक्सिमम लोग काले ही है, मंगरेला जमाई तवा के पिछले व्हाइट व्हाइट सब बेसी पहनता है, क्योंकि कला है तो व्हाइट ना पहनेगा तो कलिया कहीं पहन लिया तो कहेगा वो दारल मुहे नहीं दिखाएगा, मसे का तो दांत लगेगा कि हाँ। हमने कहा कि ब्लैक और व्हाइट टाउन, तो अंग्रेजों ने भारत में प्रजातीय घृणा दिखाने के लिए, कौन घृणा? प्रजातीय घृणा। भारतीय को नीच समझता था ना, क्योंकि एक बात है, अंग्रेज जिस मोहल्ला में रहता था, जिस होटल में खाना खाता था, वहां बोर्ड पर लिखवा देता था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीयों को और कुत्तों को इधर आने का परमिशन। फिर भी हम इंडियन कैसे थे शिक्षा के अभाव में, कि उसकी हम गुलामगिरी करने को मजबूर थे। नहीं तो ज्ञान के अभाव में होता है, आप किसी की गुलामगिरी तब तक करते हैं जब तक आपके पास ज्ञान का अभाव होता है। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान की चक्षु खुल जाती है, गुलामगिरी करना क्या करते छोड़ देते हैं। आज शिक्षित नहीं होगा तो जिंदगी भर कितनों पैसा हो जाएगा तो यो गुलामगिरी कर भी करोगे नहीं, पड़ेगा नहीं तो गुलामी का जीवन तो जीना ही होगा। सरकार के द्वारा दिए गए हर प्रकार की सुविधा आपके लिए क्या है? व्यर्थ है। हाँ, गुलामी के भी कई तरीका है। प्रजातीय घृणा को दिखाने के लिए, भेदभाव दिखाने के लिए मद्रास में अंग्रेजों ने जो अपना बस्ती बसाया, कह दिया हमारा घर के बगल में तो घर न बना दे, दूर बनाना घर, अपनी मोहल्ला का नाम दिया व्हाइट टाउन। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या होता? गोरा होता है। और इंडियन के मोहल्ला को क्या नाम दिया? ब्लैक टाउन। करियर क्या कैसे? गांधी जी के करियर समझ के ट्रेन से फेंक दिया,
मिडिजा वर्ग नामक रेलवे स्टेशन दक्षिण भेज दिया साउथ अफ्रीका के, बस आ रहा मंडे सोई टोपी पर मैं ही रहा हूँ गांधी वाला फेंक दिया क्यों गांधी जी खातिर आ गया। अरे मेरे पास नंबर वन टिकट है क्योंकि पहले रेलवे में चार श्रेणी थी, प्रथम श्रेणी का डिब्बा, दूसरी श्रेणी का डिब्बा, तृतीय श्रेणी का डिब्बा, चतुर्थ श्रेणी का। अब तीसरा विरोध चल रहा है कई जगह पढ़े लिखे लोग कि थर्ड क्लास का आदमी कैसा होता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तो होगा, थर्ड क्लास हटाने की बात चल रही है, सीधा होगा रिजर्वेशन क्लास, स्लीपर क्लास रहेगा। क्लास तुलास नहीं तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव दिखाने वाला सिस्टम है। भाई हमू रेल पर चढ़ के जा रहा, तू रेल पर चढ़ के जा रहा, अंतर हमारा बेसी पैसा तो हम गद्देदार पर बैठेंगे, एसी वाला में बैठेंगे, कम पैसा लॉकर ये पर बैठ के जाएंगे। इसका थोड़ी ना थर्ड क्लास नाम आदमी को कह दीजिए, थर्ड क्लास ये भेदभाव है जान लो। लेकिन यहाँ तो क्या है, 1350 ग्राम भगवान बेकार था दिए ग्राम अंदर यूज करना है नहीं, हाँ सेफ्टी देता है, कुछ सेफ्टी ना है, एसी में लूट ले रहा है। तो ब्लैक टाउन मद्रास में भारतीय को मोहल्ला को क्या कहा, अंग्रेजों के मोहल्ला को आई मोहल्ला बसाने का उद्देश्य क्या था, तो प्रजाति के नाम पर भेदभाव करना, घृणा दिखाना। इतना ही नहीं, चौथा काशी अस्थित सस्ता श्रम, सस्ता शहर की विशेषता हो गई। लोग देखा कि टाउन में तो पैसे पैसा है, आज जो देखो ना अपना गांव में काम ना करेगा, सीधे भागेगा दिल्ली मुंबई कलकत्ता। और बहुत को मैं जानता हूं कि दिल्ली चल तो गया, कमा के खा रहा है, लेकिन वहां से नहीं आता है क्योंकि किराए ना बसता की टाके, तो पिताजी फोन करे काहे नहीं आता है, तो किराया भेजा तब वो पिताजी भेजते हैं तब आते हैं, क्योंकि बहुत पैसा कमाने की जगह में जाते हैं, लेकिन वह 5,000-7,000-10,000 महीना कमाता है, इतना महंगा। हम दिल्ली गए, हमने बोला ये सब्जी कैसे, कहता है 10 का पाव तोड़ी, अरे हम बिहारी में किलो बता, इतना किलो में 1,000 की किलो होगा, किलो लेकिन कम थोड़ी ना लेंगे, इतना हम लोग खाने वाले जैसे वहां पाव में बिकता है, सिद्ध करता है महंगाई ज्यादा है। हाँ क्या जी, वहां चावल दाल से लोग पेट भरता, सब्जी वहां बहुत महंगा है। प्रश्न ये हुआ, रूम भी छोटा सा है, महंगा मिलता है, और नया लेबर होके आप जाते हैं तो कितना देगा आपको महीना, 8,000-10,000 बहुत हो गया नया नया आदमी को, 10,000 में रूम रेंट भी देना है, महीना का खर्च करना उसी से, महीना से दूर का ही फैक्ट्री है कि बस का किराया देना है। नौजवान आदमी है चाहे बूढ़े आदमी है, तो मार्केट का भी जरूर रखाइएगा ना, स्वास्थ्य भी तो आपका खराब होगा। 10,000 में कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग सोचता है कि शहर में जाएंगे ना तो रोजगार मिल जाएगा, गांव से ज्यादा सस्ता लेबर वहां है, नहीं कमाएगा तब यहां ना खाएगा, सोचता है कि बैठला सर चल दूसरों में कमाइए ले, नहीं अगर करते तो आदमी 18-18 घंटा वहां काम करता है, यहाँ 5 घंटा करेगा तो ना हमारा सपना बिहार से नाएंगे काम करें, थोड़ा मारिश हमारा सौले वाले रुके घर है नहीं, हाँ या नहीं बैठ कराएगा, नहीं लेता वहां जाओ देखेगा बैठा रहेंगे साथ साथ, चल 100 रुपया रेट गिरा के कमाइए ले, लेबर ज्यादा पहुंच गया। और जानते हैं इकोनॉमिक्स का रूल कहता है कि जब बाजार में किसी वस्तु की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है तो वस्तु का मूल्य, शहर में लेबर ज्यादा पहुंच गया तो लेबर का भाव क्या हो गया, कम मजदूरी के दर पर काम करने को तैयार हो गई, इसी उसकी स्थिति में जीवन स्तर में क्या हो गई, और यहाँ एक नवीन संस्कृति का विकास हुआ। नवीन याद रखिएगा, शहर में एक नया संस्कृति, नया परंपरा, शहर में ही काम का वर्गीकरण देखने को मिलता है, बाजार का भी सामान का ही वर्गीकरण, लोहा पट्टी में लोहा वाला, सोना पट्टी में सोना वाला, कपड़ा मंडी में कपड़ा की बात होती है केवल, तो श्रम का यहां पर क्या हो गया वर्गीकरण, ये नया शहर की क्या हुई विशेषता। फिर हम लोग अगले क्लास में जानेंगे तो शहरीकरण के क्रम में और अंग्रेजों ने क्या क्या किया, और फिर चार गो शहर दिल्ली कोलकाता मुंबई और मद्रास का विकास कैसे किया अंग्रेजों ने, हम चर्चा करेंगे कि बंबई शहर अंग्रेजों को दहेज में मिला था, आखिर वजह क्या था कि उसको दहेज में मुंबई शहर दे दिया, इन सारे कहानी पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में।